अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 के साथ आज दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बेसिक HTML और VS कोड के हवाले से कुछ एक्सटेंशन। सबसे पहले मैं अपने वीडियो स्टूडियो पे आ चुका हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ हमारा टाइटल क्लास नंबर 8 है, मैंने हेडिंग भी क्लास 8 दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजिली मैं आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ, जो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में किया था। यहाँ से रन पे आने के बाद, रन के ऑप्शन पे आने के बाद स्टार्ट रन विदाउट डीबग, तो इजिली हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते थे। तो आज एक नए लेक्चर के साथ एक नई एक्सटेंशन आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इजिली रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे हमें यहाँ से 4-5 ऑप्शन शो, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ एक्सटेंशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स से हम इजीली एक्सटेंशन को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इजीली एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए आप दोस्तों को यह भी बताता चलूँ कि हमारे लिए लाजमी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे मैं आप दोस्तों को ये बता दूँ कि इस एक्सटेंशन का नाम लाइव सर्वर, मैं यहाँ से इसे एंटर करता हूँ। ये अभी हमारे पास एक लाइव सर्वर के नाम से एक्सटेंशन शो करेगा। उस एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, क्या हमें पता है? आपको नहीं पता। उस एक्सटेंशन का मतलब ये कि ये हमारे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है। तो आप उसी से इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए आपको इंटरनेट भी तगड़ा सा होना लाजमी है आपके पास। आपने इसे लाइव सर्वर को ओके करना है, क्योंकि बेसिकली जो बहुत बड़े वेब डेवलपर या प्रोग्रामर हैं वो इजीली इन सर्वर को यूज़ करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो इजीली अपने काम को जल्दी से फिनिश अप करें। तो बस क्या कि यहाँ मैंने क्लास 8 लिखा, तो यहाँ मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, वेलकम या वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू आवर क्लास। तो मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ से लाइव सर्वर को, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इजीली यहाँ से डायरेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर। जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसके हवाले से हमें एक ऑप्शन ये भी शो हो रहा है कि ओपन विद लाइव सर्वर। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर पर आता हूँ, तो इजीली हमें ये नया ऑप्शन शो करेगा वेलकम टू आवर क्लास। सो सिंपली ये वे कि हम यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर पे जैसे ही आएंगे तो हमें वेलकम टू आवर क्लास ये ऑप्शन हमें शो हो रहा है। इसके बाद मैं आप दोस्तों को कुछ और भी यहाँ पे रिटर्न करके दिखा सकता हूँ कि कुछ भी हम यहाँ से लिखें कि वेलकम टू दिस वीडियो। सो जैसे ही मैंने वेलकम टू दिस वीडियो उसके बाद मैंने सेव किया, सेव करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू दिस वीडियो। तो लाइव सर्वर का यही फायदा है कि हम इजीली इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ से रन करने पे तो हम यहाँ पे भी आने के बाद रन विदाउट डीबगिंग कर सकते हैं, ये उससे भी बेस्ट है ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ये एक दूसरा ऑप्शन भी है जो हमने नए एक्सटेंशन आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि ब्रैकेट पेयर कलराइजर ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसका एक ये फायदा मैं आप दोस्तों को बता दूँ, आपको नीचे एक्सटेंशन में भी ये ऑप्शन शो हो जाएगा कि साइड ब्रैकेट, इसके अलावा टैग स्लैश कॉमा डॉट या डबल कॉमा, इस तरह के जितने भी ऑप्शन होंगे वो हमें इस तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमें कलरिंग शो हो रही है ये हमारे इस तरह कलर शेप में आ जाएगी। जो जो हमारे बहुत से जो वेब डेवलपर हैं, बड़े बड़े वेब डेवलपर हैं, वो इसको
इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ब्रैकेट पेयर को। इसके अलावा एक जो और है ऑप्शन एक्सटेंशन, वो है प्रीटियर, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। उसका मतलब ये होता है कि जो मैंने कोड लिखा हुआ है तो हम इजीली प्रीटियर कोड फॉर्मेटर के ज़रिए हम जो हम हमारी कोडिंग की हुई है हम उसे इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सटेंशन जिसमें आप दोस्तों को बताना चाहता था कि हम कैसे इजी वे से एक्सटेंशन को डाउनलोड करके हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े वेब डिवेलपर यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।